गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हाँ, घर थोड़ा मेस लग रहा है और वो वहाँ पे बबू है जो देख रही है। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। लास्ट टाइम भी जब ये 1.5 महीना की थी तब हम लोग बाहर गए थे, उड़ीसा गए थे मेरे इन लॉज के पास में। बट हम लोग हम एक्चुअली चाहते थे कि एक वीडियो बनाए। आप टाइटल से ही समझ पा रहे होंगे कि मैं वीडियो में बनाऊंगी कि क्या क्या ट्रैवल के समय एसेंशियल सामान होता है जो एक बेबी के लिए कैरी किया जाता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी सोचा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन फॉर एनी रीज़न, क्योंकि पहली बार था, डर था, और फिर टाइम भी नहीं हो पाया बहुत। मतलब मैं सोचना पड़ा कि क्या क्या लेना है, और फर्स्ट टाइम था तो हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज हम सोचे कि चलिए आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि बाबू जब ट्रैवल करती है या बच्चे ट्रैवल करते हैं तो क्या क्या एसेंशियल सामान होना चाहिए आपके साथ में, जिसके आप कंफर्टेबल कन्वीनियंटली आप एक छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर पाओ। तो लास्ट टाइम जब किया था तो डरे हुए थे, अभी कॉन्फिडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जिस दिन जाएंगे उसी दिन मैं पैकिंग की, और लास्ट टाइम मैंने 2 दिन पहले से पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हम लोग का ट्रेन 8 बजे के करीब है, तो हम लोग जा रहे हैं मेरे देवर के घर जो उड़ीसा में ही है। तो वहाँ पे थोड़ा 7-8 दिन रहेंगे, तो 7-8 डेज में 10 दिन के हिसाब से पैकिंग करके जा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे का ज़्यादा कपड़ा गंदा होता है और बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, एंड आप भी सीख लीजिए अगर आप न्यू हैं, तो क्या क्या बच्चे के ट्रैवल के समय में हम लोग को कैरी करना चाहिए मॉम डैड को, और ताकि अच्छे से खुशी खुशी अच्छे से आप इंजॉय कर पाए और बेबी को भी कोई तकलीफ ना हो, और ट्रैवल करने में कन्वीनियंट भी हो, और बेबी को ये ना लगे कि ये नहीं है वो नहीं है। और हम लोग को खुद बहुत एंशियस, कुछ अगर नहीं होता तो हम लोग डर जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं कि क्या हो गया, कहाँ मिलेगा एंड ऑल। तो चलिए मैं पैकिंग करती हूँ, आप मेरा हेल्प कीजिए, मैं भी आपका हेल्प करती हूँ, और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। सबसे पहले बैग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं ये पोलो बैग ली हूँ, इसमें बाबू का ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाएगा। लास्ट टाइम हम लोग को कम से कम 9-10 लगेज लेना पड़ा, इस बार थोड़ा कम है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हो गई है। तो लास्ट टाइम हम लोग डायपर्स वगैरह सब कुछ लेकर गए थे। तो आप अगर कोई अपने 7-8 दिन के यहाँ में जा रहे हैं, तो एक टिप मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कहीं पे जा रहे हो 7-8 दिन के लिए और आपको अगर डायपर कैरी करना है, तो एक काम कर सकते हैं, आप वहाँ पर डायपर ऑर्डर कर सकते हैं। सो मेरा डायरेक्ट डायपर मेरे देवर के घर में पहुँच जाएगा, तो मुझे यहाँ से कैरी करना नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम मुझे यहाँ से 15-20 पैकेट ऑफ डायपर मुझे ही कैरी करना, हम लोग को कैरी करना पड़ा, और उसके साथ बच्चे का फूड वगैरह भी कैरी करना पड़ा, जिसके वजह से बहुत हेक्टिक हो गया था। तो इस बार हम लोग ने दिमाग लगाया कि डायपर कैरी नहीं करते, सिर्फ जो ट्रेन में जो 8 घंटे का जर्नी में जितना डायपर लगेगा उतना यूज़ करो, और वहाँ जाके तो वो डायपर डिलीवर हो ही जाएगा। तो आप कहीं भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, स्पेशली रिलेटिव के यहाँ अगर जा रहे हो, तो आप अगर घूमने जा रहे हो तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, आपको कैरी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, जैसे मैंने ऑर्डर कर दिया, तो मुझे डायपर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं 3-4 टू कैरी करूँगी। सो ये रहा पोलो बैग, इसमें बाबू का पूरा भरूँगी मैं अभी लगेज, और मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। और ये यहाँ पे खेल रही है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, आप कपड़े जितना चाहे आप लो। तो मैं टोटल कम 7 दिन के हिसाब से 15 कपड़े लेकर जा रही हूँ, तो मैं आपको गिनाती हूँ। 1, 2 मोटा कपड़ा मत नहीं ले जा रही हूँ, ये 2 कपड़ा नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत गर्मी होगा, एंड उड़ीसा में बहुत गर्मी रहता है, यहाँ भी है बट वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। तो मोटे मोटे कपड़े नहीं ले रही हूँ, ये 1 ले रही हूँ मैं, अगर बाहर हम लोग घूमने के लिए जाएंगे तो ये पहन पाएगी। तो 3 कपड़े ऐसे लिए मैंने जो बाहर पहनने के लिए हो, और बाकी मैं घर के कपड़े ले रही हूँ, जिसमें से ये सब है। 1, 2 सारे कॉटन के कपड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कपड़े, 10। तो 10 कपड़े मैंने कॉटन के ले लिए जो वो घर पे पहनेगी, और घर पे सारे दिन में कम से कम मैं 2 से 3 बार आपके कपड़े ये होंगे। तो ये मैं आप एक एक कॉर्नर साइड कर लेना, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे क्या है, और सारा एक साथ मतलब मिक्सअप मत करना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ उसका पैंट है, कहाँ उसका ड्रेस है, कहाँ पे उसका बाकी सामान है। तो मैं अलग करके रख रही हूँ। तो ये हो गया, और ये घूमने का कपड़ा उसका हो गया बाबू का। अब आए उसके पैंट, तो ये छोटे छोटे पैंट उसके,
सो मैंने लिया है एक सो हाँ सबसे पहले नाइन मैंने नॉर्मल कपड़े लिए और तीन मैंने ऐसे कपड़े लिए जो वो बाहर में अगर हम लोग घूमने उमने के लिए जाए तो वो पहन पाइए और बच्चा तो अभी पैंट देखते हैं नेक्स्ट 7-8 पैंट हो गए पैंट उतने गंदा नहीं होते क्योंकि वो मैं इसको डायपर में ही रखती हूँ तो गॉड ब्लेस तो मैं डायपर में रखती हूँ तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं होता तो मैंने 8 पैंट ले लिए जो मैं अलग से यहाँ पे रख रही हूँ मैं छोटा सॉक्स लेकर जा रही हूँ सिर्फ एक पैंट लेकर जा रही हूँ क्योंकि एसी में रहेंगे अगर इसको ठंडा लग गया सपोज ठंडा लग गया और हम लोग को सॉक्स की ज़रूरत हुई तो वो इम्पोर्टेंट है तो ये सॉक्स एक लेकर जाना गर्मी के समय में भी लेकर ट्रैवल कर लेना मतलब ये रहेगा उसके बाद में नेक्स्ट उसके आते हैं सारे छोटे 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 जो वो लंगोट पहनती है ये सब सो वो मैं ले लेती हूँ कुछ आठ मैंने ले लिया है इसका पैंट जो पहनेगी पैंटी टाइप है ये तो लंगोट है ये तो छोटा छोटा लंगोट भी ले लिया है मैंने तो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ सबको ऑर्गेनाइज करके रखिएगा ताकि आपको इजीली कन्वीनियंट हो निकालने के समय उसके बाद मुझे टावल लेना है टावल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे को खिलाने के समय क्योंकि अब ये सेरेलैक्स खाती है तो इसको खाना खिलाने के समय जो ये गंदा करती है बाप रे एक एक बार में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है सारे कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते तो ये दो टावल मैं ले रही हूँ उसके साथ एक बड़ा टावल मैं लूँगी जो अभी यूज़ कर रही हूँ मैं ये वाला और ट्रैवल के समय में भी रखूँगी मैं तो टोटल तीन टावल है जो चल जाएगा इसका खाने के समय का तो ये यहाँ पे मैंने रखा टावल उसके बाद में हाँ ये छोटे छोटे कपड़े वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे कपड़े टावल टाइप ये जो क्या करती हूँ मैं जब भी खाना खाती हूँ तो एप्रन के साथ में ऐसे इसको लगाना पड़ता है ताकि जो सेरेलैक्स वगैरह है जो सॉलिड फूड है वो उसके कपड़े पे ना गिरे और गंदा ज़्यादा ना हो तो उसको ठंडा लग सकता है पानी भी पीती है तो ये वाला मैंने लिया है टोटल चार सेट है 3-4 ये मैं 4 सेट को रख देती हूँ एक साथ ऐसे मोड़ के ताकि मुझे पता चलेगा कि ये इसके खाने के टाइम पे काम आएगा तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ओके नेक्स्ट एक ब्लैंकेट एक छोटू सा ब्लैंकेट बाबू का ये वाला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ये वाले वीडियो में जहाँ मैंने मटरनिटी शॉपिंग किया था तो वही ये ब्लैंकेट है बहुत अच्छा पहन ब्लैंकेट है ये तो ये एक ब्लैंकेट कैरी कर रही हूँ क्योंकि रात को सोने के समय इसको चाहिए होगा क्योंकि एसी चलेगा तो फिर ये सो नहीं पाएगी अगर इसके ऊपर कोई कपड़े नहीं रहेंगे ब्लैंकेट नहीं रहेंगे ये मैंने रख लिया ब्लैंकेट नेक्स्ट मैं जो ले रही हूँ वो मैट है ऑब्जर्वर मैट जो रिक्वायर होता है मैं इसको सारे दिन ये डायपर में रहती है लेकिन नहाने से पहले मैं 4-5 घंटा मैं इसको डायपर में नहीं रखती हूँ मैं 5 घंटा डायपर उसको विदाउट रखती हूँ और उसके लिए ताकि बेड गंदा ना हो यूरिन वगैरह वो करेगी सुसु करेगी तो उसके लिए मैट ऑब्जर्वर तो ये एक छोटा वाला है और ये एक बड़ा वाला है ये बहुत बड़ा है क्योंकि बड़ी हो गई है तो मेरे को चाहिए होगा तो ये दो ठो मैं रख लेती हूँ ओके नहीं नेक्स्ट है ये प्लास्टिक कवर जो खाने के समय काम आएगा बेड के ऊपर रखने के लिए नहीं तो बेड गंदा हो जाएगा क्योंकि अभी ये बैठ नहीं पाती है जो उसको सुला के या फिर साइड करके खिलाना पड़ता है तो बेड में एक सेरेलैक्स या पानी ना गिरे तो इसके लिए ये छोटा ये एक प्लास्टिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके बिना तो मैं अधूरी हूँ तो इसको मैं अलग से यहाँ पर रखूँगी नेक्स्ट बाबू का एप्रन्स ये एप्रन्स है छोटा छोटा एप्रन्स ये रखना पड़ता है खाने के समय में काम आएगा इसको भी मैं अलग से रखती हूँ ताकि जल्दी से मैं निकाल पाऊँ अगर मैं अभी जबकि मैं एक अलग छोटा बैग भी लूँगी एलिफेंट बैग है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ उसमें मैं जो ट्रैवल करूँगी जो हैंडी सामान चाहिए वो मैं रख लूँगी फिलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है नेक्स्ट है ये छोटे छोटे कपड़े ये कपड़े इसलिए क्योंकि खाने के समय मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ इसकी क्योंकि वो अभी बहुत गंदा करती है तो चम्मच से खाती है तो गंदा होता है तो ये सारे कपड़े मैंने रखे हैं तो ऐसे मैंने 4 सेट ले लिया है ताकि वो गंदा करे तो मैं चेंज कर पाऊँ तो ये टोटल 3 और ये लास्ट है 4 तो 4 सेट को मैं अलग रखती हूँ यहाँ पर तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए
अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीज़ें जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, तब तक मैं बाबू को थोड़ा सा देख लेती हूँ क्या कर रही है, फिर मैं आपके साथ में कुछ देर बाद मिलती हूँ।